ये हज़रत शम्स तब्रेज़ी का मज़ार मुबारक है, जिनकी कहानी मशहूर है मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ मोहब्बत की। ये खोए में है, ईरान का जो मग़रबी आज़रबाईजान है ये उसका दूसरा बड़ा शहर है। पहला बड़ा शहर इससे मग़रबी आज़रबाईजान का वो अरूमिया है जो कैपिटल है। आज़रबाईजान के ईरान में दो हिस्से हैं सूबे के, एक हिस्सा है मशरकी आज़रबाईजान, एक है मग़रबी। जो मशरकी है वो उसका कैपिटल तब्रीज़ है, और जो मग़रबी आज़रबाईजान है उसका कैपिटल है अरूमिया। अरूमिया के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है इस आज़रबाईजान का, मग़रबी आज़रबाईजान का। तो मैं आज ख़ुसूसी तौर पर इस कहानी की तलाश में आया हूँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की और शम्स तब्रेज़ी की। मेरा जो मानना है तारीख़ के मुताले के मुताबिक, मौलाना रूमी का मज़ार तो कोनिया में है, उसके कई तारीख़ी रीज़न्स हैं कि शम्स तब्रेज़ी जो हैं वो कोनिया में दफन नहीं हैं, कोनिया में दफन नहीं हैं। उनका मदफन इसी आज़रबाईजान में हुआ, चूँकि तारीख़ के जो शवाहिद मुझे मिले हैं मुताले के मुताबिक वो आज़रबाईजान ही रहे थे। गो उनके बारे में ये भी रवायत है कि उनके नहीं पता कि उनका मज़ार मुबारक किधर है, लेकिन मेरा तारीख के जो ज़्यादा मुस्तनद मानता हूँ वो शम्स तब्रेज़ी का मज़ार मुबारक यहाँ पर है। और ये खोए में है, बड़ा ख़ूबसूरत शहर है खोए तब्रीज़ का, सॉरी आज़रबाईजान का, और ये आजकल ज़ेर तामीर है। यहाँ पर एक टावर है, ये शायद सलजूकी पीरियड का है, ये जो ऊपर टावर है ये शायद सलजूकी पीरियड का है। तो मैं अपने दोस्त मेहदी और रिहाना के साथ यहाँ आया हूँ, तो वो भी एक पोइम पढ़ेंगी फ़ारसी में मेरे साथ, और उनकी असल जो फ़ारसी लहजा है उससे मुस्तफीद होंगे, जो असल हकीकी फ़ारसी लहजा है। तो ये शम्स तब्रेज़ी का मज़ार मुबारक है, ये शम्स तब्रेज़ी का मज़ार मुबारक है। रेहाना, यू वी रीड वन पोइम ऑफ शम्स तब्रेज़ी, यानी